परासिया के सामुदायिक अस्पताल में भूमि पूजन को लेकर बहसबाजी हो गई, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने बीते दिन अस्पताल का भूमि पूजन किया, वहीं दूसरे दिन कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि उसी भवन का भूमि पूजन करने पहुंच गए, जिसको लेकर प्रशासन ने विधायक को भूमि पूजन करने से रोका। वहीं विधायक के समर्थकों की प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसके बाद अस्पताल के गेट के बाहर ही भूमि पूजन किया गया। वहीं विधायक ने राज्यपाल के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि प्रस्तावित भूमि पूजन कार्यक्रम में बीजेपी ने किसी को सूचना नहीं दी और विधायक को भी नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। तो ये कमलनाथ जी के माध्यम से सूचित कराई गई थी, पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती के झूठे प्रचार कर रहे हैं कि 2011 में शिवराज सिंह जी ने मोडोगरी में बोल के गए थे, तो 2011 में बोलने के तो अभी तक क्यों नहीं बन पाया? फिर बोल के गए प्रभारी मंत्री ने 9 करोड़ दिया, तो हम कहते हैं कि उस समय क्यों नहीं बन पाया 16-17 के बाद। आज हमारे पास सारे प्रमाण हमने प्रस्तुत किए हैं, जो सबको हमने दिखाया है कि हमने स्वीकृत कराया और हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री उन्होंने स्वीकृत कराया। परंतु आज जिस तरीके से हम भूमि पूजन करने आए और प्रशासन और जिला अध्यक्ष जो कलेक्टर साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं, उनको सच्चाई नजर नहीं आ रही है। आज हमको रोका गया, बलपूर्वक रोका गया, लाठीचार्ज कराया गया, यहाँ पर पानी फेंकने की कोशिश की गई, हमको बलपूर्वक रोका और भूमि पूजन हमको गेट पे करने का मौका मिला, हमने गेट भी किया। हम नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में अराजकता फैले, कोई हम अमर्यादित बात बोले, मगर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कर रहे हैं ये हमारे क्षेत्र में अराजकता फैलने वाली है, क्योंकि उन्होंने जनहित का कोई